इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, रिशु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, श्री पारसमल, इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। बेटा साथ में खेलना चाहता था, एक बार मना किया, दो बार मना किया, उनकी अंतरंग में थोड़ा प्रेम और वात्सल्य उमड़ने लगा तो उन्होंने उसे काम बता दिया, इस काम को पूरा करके आओ फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसने कहा पापा आप तो ऐसे ही कहते रहते हो और फाइलों में व्यस्त रहते हो, आपके पास समय नहीं है हमारे लिए। उनको भी लगा वकील साहब को कि बेटा ठीक कहता है, मैं समय कम दे पा रहा हूँ घर के लिए, बच्चों के लिए, फिर भी उस समय उन्हें बहुत आवश्यक काम था। तो उन्होंने एक कागज़ उठाया जमीन से और कागज पर 5-7-10 ऐसे आड़ी तिरछी रेखाएँ खींच दी, कुछ यूं वक्र रेखाएँ खींच दी, माना कि विश्व का एक नक्शा बना दिया। उस कागज को लेकर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 20-30 टुकड़े करके उस बालक को यूं डाल दिया, मैं तुझे समय दे दूंगा, तुम्हारे साथ मैं खेलूंगा बेटा। इन कागज के टुकड़ों को जैसा कागज पहले था वैसे जोड़ करके लिया। अब वकील साहब सोच रहे थे बेटा इन टुकड़ों को सवेरे तक भी नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि टुकड़े आड़ी तिरछी हैं, कहाँ से कैसे जोड़ेगा। तब तक मैं अपना काम पूरा निपटा लेता हूँ। बेटा बाजू वाले कमरे में गया और सभी टुकड़ों को लगभग 2 मिनट में जोड़ करके ले आया। वकील साहब के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने कहा पापा मैं कागज के टुकड़े जोड़ करके ले आया, अब आपने कहा था कि आप मेरे साथ खेलेंगे। वकील साहब ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ खेलूंगा, किंतु मुझे एक बात बता, तूने इन कागज के टुकड़ों को कैसे जोड़ा। मैंने विश्व का नक्शा आड़ा तिरछा बनाया, तू देशों के नाम भी नहीं जानता, कितने देश हैं, किस देश की आकृति कैसी है, तूने कागज को जोड़ा कैसे। उन्होंने कहा पापा मैं नहीं जानता, विश्व कितना बड़ा है, कितने देश हैं, कहाँ कौन सा देश है, किसकी आकृति कैसी है, तो फिर तूने कैसे जोड़ा। पापा दरअसल में जो कागज आपने उठाया था उस कागज पर वेक में पीछे बहुत हल्की लकीर में पेंसिल से एक मानव का चित्र बना हुआ था और मैंने विश्व को नहीं जोड़ा, मैंने तो एक मानव के चित्र को जोड़ा था, विश्व तो अपने आप जुड़ गया। महानुभाव, एक किन वकील साहब की बात है मुझे नहीं मालूम, आप भले ही अजय वकील को देख रहे हो, मुझे नहीं मालूम कौन से वकील साहब की बात होगी ये, किंतु इस बात में तथ्य ये छुपा हुआ है कि जब हम मानव को जोड़ते हैं तो सारा विश्व जुड़ जाता है। और मानव को जोड़ने का एक सूत्र है, पहले ही हम अपने हाथ की 5 उंगलियों को जो खुली हैं जोड़ लें, दूसरे हाथ की उंगली भी जोड़ लें और दोनों हाथों को जोड़ लेंगे तो पूरे विश्व को जोड़ने में समर्थ हो सकते हैं। आज यदि फिरोजाबाद की समाज पूरी यहाँ जुड़ गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, हाथ जोड़ने से तो पूरा विश्व भी जुड़ सकता है। लोग कह रहे थे ये छोटे छोटे बच्चे क्या काम करेंगे मेला का, ये क्या मेला संपन्न करेंगे, बड़े बड़े व्यक्ति पगड़ी उतार करके चले गए, हम नहीं बनेंगे अध्यक्ष, अभी छोटे बालक क्या अध्यक्ष बनकर काम करेंगे। महानुभाव, व्यक्ति मन में ठान ले तब मान लेना चाहिए कि अब काम सफल हो गया। जब तक व्यक्ति ठानता नहीं है तब तक हजारों परेशानियां आती हैं, जब मन में ठान लेता है तो सभी परेशानियां दूर भाग जाती हैं। महानुभाव, यहाँ पर पंचवर्षीय मेला का आयोजन आपके मन में कराने का था, लगभग 6 महीने पहले से मई के आसपास
हमारे पास समाचार पहुंचा कि महाराज जी आपको फिरोजाबाद चलना है मेला के लिए। फिर नोएडा में जून या जुलाई के आसपास पहुंचे, महाराज जी मेला होना है आपके शानद में ही होना है। उसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा मामला ठंडा भी पड़ा। उसके बाद लगभग अक्टूबर के समय में पुणे युवाल पहुँचे कि मेला सम्पन्न होना है। और मेला सम्पन्न होना एक भावना थी कि फिरोजाबाद में 25 समोषण विधान 25 समोषण लगे और वह कार्यक्रम संपन्न हो उत्तर प्रदेश में पहली बार। और युवाओं ने कहा महाराज जी हम तो जानते नहीं, आप जैसा कहें वैसा हम करते जाएंगे। और युवाओं ने कमर कसके इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए जो परिश्रम किया है उस परिश्रम को शब्दों से नहीं कह सकते। जब कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए जाता है आगे बढ़ता है लोग उपहास करते हैं मजाक भी उड़ाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, हो सकता है कुछ लोग सम्मान से उनका आदर भी करें सम्मान करें कि अच्छा काम कर रही हो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपमान करके भी निकाल देते, भैया तुम जैसे तो मिला क्या करोगे, जाओ चंदा लेने के लिए गया कुछ और कही। तो उतना प्रोत्साहन मिलना चाहिए, शायद मेरी दृष्टि में प्रारंभ में युवाओं को उतना प्रोत्साहन मिला नहीं था, कहा आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। इन सभी लोगों ने जो ये कार्यक्रम संपन्न किया, प्रतिकूलताएं थी, 7 दिसंबर को गौतमपुरी में मोक्ष कल्याणक था, वहाँ से यहाँ तक आना 19 तो बड़ा मुश्किल था, पहले 19 तारीख की डेट थी, आपका कहना था किसी भी तरह से 15 तक आ जाओ 16-17 तक आ जाओ। हमने कहा देखो भाई लगभग 260 किलोमीटर के आसपास दूरी है और 10 दिन में तो आना बड़ा मुश्किल है, किंतु पुणे 19 की डेट रखी, फिर 21 की रखी, आपने कहा महाराज कैसे भी करो 19 तक आना ही है। और प्रतिदिन लगभग 25 किलोमीटर बिहार मौसम निकाल करके 19 तक आने की चेष्टा की, किंतु यहाँ पर आकर के भी हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया इन युवाओं ने किया है और हमारे दोनों मुनि महाराज शिवानंद प्रसवानंद महाराज ने किया है कि इन्होंने जो समाज को जोड़ करके कॉलोनी कॉलोनी जा करके जो प्रभावना की, निस्संदेह इस सब कार्यक्रम का श्रेय जाता है तो इन्हीं को जाता है और बाद में बचा खुचा श्रेय जाता है तो हमारे समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य इन नागरिकों को जाता है जिन्होंने हमारे युवाओं की बातों को स्वीकार कर लिया और उन्हें और युवाओं को तन से मन से धन से सब प्रकार से सहयोग किया, किसी भी कार्य काम में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और सभी महानुभाव इस कार्यक्रम में मन से लगे। आज इस कार्यक्रम की सफलता को देख करके सबके मन प्रफुल्लित हैं। जैसे सूर्य का उदय होते ही कमल खिलने लगती है, चंद्रमा का उदय होते ही कुमनी खिलने लगती है, ऐसे ही इन 4-5 दिन लगातार पूरा पांडाल सुबह और रात्रि में भरा रहा और अभी भी रथ यात्रा में जो जन सैलाब था वह सबने देखा। 25 रथ पहली बार ही, 26 रथ पहली बार ही आपके फिरोजाबाद में निकली, निस्संदेह अब आपको ये बल मिल गया यदि कहीं चंद्रवाड़े में 52वां पंचकर्ण प्रतिष्ठा हुई तो हो सकता है 26 के दूनी 52 रथ भी निकल सकते हैं। ये फिरोजाबाद की समाज ठान ले तो कुछ भी कर सकती है, पर ठानने की बात है, किंतु ये एक बात मान ले फिर बाद में ठान ले, कई बार चूक जाते मान नहीं पाते हैं और फिर ठान भी नहीं पाते हैं। चंद्रवाड़ के विषय में हमारा कई वर्षों से 20 वर्ष से विचार चल रहा, पूज्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद रहा, क्षेत्र के लिए विकास की भावना खूब आती है चंद्रवाड़ के लिए, किंतु कमेटी कहीं अवसर पर आने पर चूक जाती है और हो सकता है संकेत का पालन करने में चूक जाती हो। अन्यथा चंद्रवाड़ एक प्राचीन क्षेत्र है, निस्संदेह उसका उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए। महानुभाव जो मुनि महाराज बहुत तपस्या करने वाले उनके लिए, जो सामान्य तपस्या करने वाले साधक उनके लिए, देशस राष्ट्रस पुरुष राज्य पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, छोटे नगर ग्राम शहर कस्बा प्रांत के लिए और पूरे विश्व के लिए करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव सबके लिए शांति प्रदान करें, इस प्रकार की मंगल भावना भाते आयोजन पर। और सभी को एक बार पुनः आशीर्वाद। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रिलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जय शासन शासनाशी वर्तमान महावीर भगवान की,
देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु पुण्यात्मा महानुभाव, नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सबका कल्याण करने वाला हो। नव वर्ष में आप सभी दुर्विषयों से, बुराइयों से, पापों से, पर निंदा से बचें, पुण्य के कार्य में संलग्न हो। पुण्य के बिना कभी भी जीवन में इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य के बिना जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। पुण्य के बिना मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलता। पुण्य के बिना श्रावक का कुल भी नहीं मिलता। इसलिए पुण्य करना बहुत जरूरी है। जिसके पास पुण्य है उसे इष्ट वस्तु अनायास समय से पहले भी मिल जाती है। जिसके पास पुण्य है उसके विघ्न उपद्रव स्वतः ही टल जाते हैं। जिसके पास पुण्य है शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं। जिसके पास पुण्य है उसके लिए प्रतिकूलता में से भी अनुकूलता निकल के आती है। महानुभाव, इसलिए पुण्य कार्य करके ही हमें इस वर्ष को मंगलमय बनाना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ सिद्ध क्षेत्र सौरीपुर, जहाँ पर भगवान नेमिनाथ स्वामी की जन्मभूमि भी मानी जाती है, सुप्रतिष्ठित आदि केवलियों की मोक्ष भूमि है। अक्षय क्षेत्र बटेश्वर भी, जहाँ पर भगवान आदित्यनाथ का अक्षय है, उस भूमि पर जब भी कोई व्यक्ति चाहे भली घड़ी दो घड़ी प्रमाण काल के लिए भी आए, तब भी आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर धर्म जागृति संस्थान दिल्ली प्रदेश के माध्यम से वाचना का कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। धवला पुस्तक दो की वाचना यहाँ चलेगी। इच्छुक महानुभाव, सिद्धांत के जिज्ञासु महानुभाव वाचना में आकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। धर्म जागृति संस्थान सादरा जौन के महानुभावों ने आज इतना विधान संपन्न कराया और उन्होंने ये पूरा आयोजन पूर्व से सुनिश्चित करके बड़े अच्छे दर्शन ढंग से संपादित किया है। अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान भी बड़े बड़े कार्यों का वह संचालन कर रही है। आगे उनकी योजना बड़े बड़े कार्य करने की है। उन्हें भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। जयसवाल जैन प्रसिद्ध प्रोचिया समाज, इन्होंने अभी घोषणा की पंच कल्याण के लिए, उनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। युवा उत्साही है, जोश से युक्त है, वे भी जिन शासन की प्रभावना में इसी तरह से अग्रसर हों, धर्म के कार्य संपन्न करते रहें। धर्म सबका रक्षक होता है। धर्म की जड़ पाताल तक जाती है। धर्म का प्रभाव कोई व्यक्ति भूलता नहीं है। धर्म के माध्यम से ही पहचान बनती है। धर्म के माध्यम से ही आत्मा का परिज्ञान होता है। परिषद के लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनवाणी चैनल परिवार से भी मानवा यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें भी हम वासल पूर्व आशीर्वाद देते हैं। जो प्रतिदिन मीठे प्रवचन के नाम से भी प्रवचनों को प्रचार प्रसार करते हैं, अन्य अन्य साधुओं के शंका समाधान प्रवचन आदि भी वह समय समय पर प्रकाशित करते हैं, आयोजन भी प्रकाशित करते हैं, प्रातःकाल से भगवान का अभिषेक आदि दिखाते हैं, जिसके माध्यम से अनेक वृद्ध माता या वृद्ध पुरुष पितागण हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मंदिर नहीं जा सकते, वे भी घर में बैठ कर के अपना धर्म दान कर पाते हैं। जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो जिन शासन की प्रभावना हो रही है, बुजुर्ग माता पिता को तो वास्तव में बहुत लाभ मिल रहा है, किंतु इसका ऐसा नहीं है युवा पीढ़ी उसे छूती है। युवा पीढ़ी भी साधुओं के प्रवचन के माध्यम से अपने जीवन की राह बदल रही है। जिनवाणी चैनल परिवार को भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर जीपीसी इंडिया के महानुभाव हिमांशु जी हैं, उन्होंने भी मीठे प्रवचन को 350 प्रवचन यहाँ एकत्रित करके और एक पेनड्राइव में संकलित किए हैं। व्यक्ति डेली प्रवचन नहीं सुन पा रहा है, दिन में दो प्रवचन सुनना चाहे, चार सुनना चाहे,
तो लगभग साल भर का मैटर है कि एक डेली एक ही सुनता जाए, जो जुर्माणी चल पर चलेंगी वो तो आगे चलते ही रहेंगी, किंतु पीछे वाले भी सुनना चाहिए तो सुन सकता है। जीपीसी इंडिया की वाणी हमारे हिमांशु जी जो जुर्माणी चैनल में भी अपनी सेवा दे रही हैं, उन्हें भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ पर आशीष भैया जी दिल्ली से, वह संविकार प्रतियोगिता धर्म जागृति संविकार प्रतियोगिता का प्रकाशन प्रतिवर्ष करते हैं और पूरी मेहनत करते हैं प्रतियोगिता बनाने से लेकर के पुरस्कार तक, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ हमारे अस्य क्षेत्र जम्मू स्वामी भगवान की तपोस्थली बोलखेड़ा, वहाँ के माननीय अध्यक्ष महामंत्री प्रचार मंत्री और भी पदाधिकारी गण यहाँ उपस्थित हैं, माननीय गण साहब इत्यादि सभी के लिए हम वासल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। वे जम्मू स्वामी तपोस्थली के विकास में संलग्न है, साधुओं की सेवा में संलग्न है, उन्हें भी आशीर्वाद। आसपास की समाज यहाँ उपस्थित है, निकटवर्ती समाज चाहे शमशाबाद से, राजाखेड़ा से, मनिया से, धौलपुर से, मुरैना से, अम्भा से, शिकवाबाद से, सिरसागंज से, फिरोजाबाद से, घरोड़ से, मैनपुरी से, रावल से, टूंडला से, एटा से, जहाँ से भी मानवा पधारे, आगरा से और दिल्ली के मानवाव से विशेष संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, सभी के लिए हम वात्सल्य पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह जिन शासन की प्रभावनाओं में संलग्न रहे और यहाँ की जो कमेटी है, सिद्ध क्षेत्र कमेटी जो यहाँ क्षेत्र का संचालन कर रही है, कमेटी के सभी महानुभावों को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरी बात, अखिल भारतवर्षीय धर्मजाति संस्थान के माध्यम से ये बात यहाँ पर आई कि सभी महानुभाव धर्म और जाति के कॉलम में जैन शब्द का ही प्रयोग करें, क्योंकि वास्तव में हम इतने कम नहीं है, किंतु प्राय करके लोगों ने अपने गोत्र को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कभी कोई बंसल लिखता है तो कोई कांसल लिखता है, कभी कोई गोयल लिखता है तो कोई मित्तल लिखता है, कहीं घरे लिखते हैं, कहीं काचरीवाल, कहीं बढ़ जाते हैं, कहीं काला, कहीं और जो अपने गोत्र है उनको लिखने से लोग नहीं समझ पाते कि वास्तव में जैन है या और है, तो ये लिखना प्रारंभ करें। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी प्राय करके लोग जैन शब्द नहीं लिख पाते हैं, वहाँ पर भी संख्या पर्याप्त है, किंतु वे लिखना भूल ही गए, तो उनकी प्रवृत्ति भी अब जब साधु वहाँ पहुँचते हैं तो मालूम चलता है कि जैनत्व तो क्या है। गणनी आर्गा गुणनी माता जी वहाँ पर विगत 2-3 साल से है, तो वहाँ पर उस साइड में प्रभावना कर रही, या मंदिर नहीं, मंदिरों का निर्माण कार्य भी वहाँ उनकी प्रेरणा से हो रहा है। और यहाँ से 24 मूर्ति प्रतिष्ठित होकर के तमिलनाडु में लगभग 4-5 पहुँच गई और 20-24 वहाँ यहाँ से और पहुँचेंगी, उन्हीं 24 की प्रतिष्ठा करने का भाव हमारे जयेश्वर परिषद के जो महानुभाव हैं उन्होंने 25 जनवरी से 30 जनवरी का विचार किया है। तो ये कार्यक्रम जैन शब्द लिखना प्रारंभ करेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में जैनों की संख्या अभी भी पर्याप्त से ज़्यादा है और हम वह काम कर सकते हैं जो काम एक बहुत बड़ा समूह कर सकता है। हमें अपनी संस्कृति की, धर्म की हमेशा रक्षा करने का भाव रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश मिथिलेश, अनिल राजेश, ऋषु रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल सेजल जैन पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन सेक्टर 37 नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत।